जैसे कि आप सभी को पता है कि एनआईएस के द्वारा जब बहुत सारे जो वोकेशनल कोर्स को किए जाते हैं, तो आज के इस टॉपिक्स में हम बताने वाले हैं कि कुछ नए टॉपिक्स के बारे में, कि कुछ जो ऐसे कोर्सेस होते हैं जो कि हर किसी को कर लेने में बेटर होते हैं उसकी ज़रूरत के हिसाब से। तो आइए, क्या चीज़ का एक नया कोर्स स्टार्ट किया एनआईएस ने, उसी के विषय में हम लोग यहाँ पर चर्चा करने वाले। जैसे कि आप सभी को पता, अगर प्रोग्राम में, अगर एनआईएस के ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर अगर प्रोग्राम सेक्शन में जाते हैं, तो यहाँ पर प्रोपेटर सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी, मतलब बहुत सारा जो है डीएलएड है, बहुत सारा तरह तरह का प्रोग्राम आ जाएंगे। तो यहाँ पर जो है उसका प्रोग्राम का यहाँ पर नाम लिखे हुए, सारा सारा का सारा नाम, जैसे योगा टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम, यहाँ पर अलग अलग पैकेज है, अलग अलग 6 मंथ का है, कोई 1 ईयर का है। तो इस तरह से करके तरह तरह का जो है अलग अलग माध्यम से सारे सारे के सारे कोर्सेस, उसका प्रैक्टिस पूरा का पूरा कम्प्लीटली यहाँ पर जानकारी देते हैं। तो आज के इस टॉपिक में हम बात करने वाले कुछ नए प्रोग्राम के बारे में। जैसे कि आप सभी को पता है कि यहाँ पर जो है एक नए कोर्स स्टार्ट किए जा रहे हैं, सामुदायिक स्वास्थ्य प्रशिक्षण कार्यक्रम के, यहाँ पर लिखे हैं कम्युनिटी हेल्थ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, जो कि अनट्रेन हेल्थ वर्कर ऑफ बिहार, जो जो हेल्थ वर्कर जो अनट्रेंड है उनके लिए जो है यह इस कोर्स को करने के लिए अनिवार्य है। जिस प्रकार शिक्षकों के लिए जो है अनट्रेंड डीएलएड करने के लिए जरूरत थे, उसी प्रकार से जो वहां पर जो हेल्थ केयर में जो वर्किंग करते हैं, उन सभी के लिए जो इस कोर्स को करने बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो इसके लिए जो है आपको जो है द्वितीय बैच जो है 15 जुलाई 2018 से प्रवेश प्रारंभ स्टार्ट होंगे। सीटें सीमित है, सीटें सीमित, अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2018 को जो है इसमें बताया जाए, मतलब जो सीट है इसमें लिमिटेड सीट है, कोई ऐसा नहीं कि जितना मर्जी हो उतना आपको मतलब इसमें करेंगे। तो यह जो है एक बड़ी खबर थी यहाँ से कि किस प्रकार से इसमें एडमिशन लेंगे, किस प्रकार से फॉर्म होंगे। आइए इसके फी के बारे में थोड़े से हम लोग यहाँ पर डिटेल्स में जानते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं पूरा का पूरा, यहाँ से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको सिंपली जो है यहाँ पर आपको जाने होंगे, अपना नाम्स लिखने, पिताजी का नाम, माँ का नाम्स, उसके डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस डालने के बाद जनरेट करना ओटीपी। ओटीपी करने के बाद जो यहाँ पर स्टडी सेंटर के बारे में आएंगे, उसके बाद अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करने, उसके बाद इसको रिव्यू करके उसके बाद सबमिट कर देने। तो इस प्रकार से आप इसको जो है रजिस्ट्रेशन अगर आप करना चाहते हैं या आपके दोस्त करना चाहते हैं तो वह भी इस प्रकार से कर सकते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के वक्त जो है यहाँ पर आप चले जाइएगा, तो यहाँ से आप रजिस्ट्रेशन हो सकते हैं। अब यहाँ पर जो है क्या है कि इस फी के लिए जो है यहाँ पर लिखे हुए साफ साफ, फी फॉर इंटायर ट्रेनिंग विल बी 5,000 रुपये, मतलब 5,000 रुपये यहाँ पर जो कैंडिडेट को जो है यहाँ पर लगने वाले हैं। तो यहाँ पर पूरा का पूरा जो है चीज़ दिए कि इसके साथ ही साथ यहाँ पर जो है और भी यहाँ पर डिटेल्स है, तो उसी डिटेल्स के लिए हम लोग बात करेंगे। अगर यहाँ पर जन स्वास्थ्य अगर के लिए, जो कि इस कोर्स को जन स्वास्थ्य में ही रखे गए हैं इस कोर्स को, तो उसके लिए बुक्स जो है प्रोवाइड किए जा रहे हैं, पुस्तक 1, पुस्तक 2, पुस्तक 3, पुस्तक 4, ठीक है। यह जो सॉरी यह जो है मैं प्रैक्टिकल का मैनुअल है। तो इस तरह से करके आप इस बुक को जो है आप डाउनलोड कर सकते हैं, इसका पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ इसका प्रोस्पेक्टस के बारे में और थोड़ा सा हम लोग डिटेल्स जानते हैं, फिर आपको पूरा का पूरा चीज़ के बारे में बताते हैं। वीडियो को जरूर अंतिम तक जरूर देखें। जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं यह जो है पूरा का पूरा जो प्रोस्पेक्टस दिए गए हैं, पूरा का पूरा हर चीज़ के बारे में जानकारी यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। पूरा का पूरा यहाँ पर हर चीज़ के मेडिकल के सेक्टर पर, यहाँ पर पूरा सामुदायिक स्वास्थ्य में प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम, तो यहाँ पर जो है पूरा का पूरा दिए गए हैं। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं यह अध्यक्ष है आपका जो एनआईएस का है चेयरमैन, उनका अध्यक्ष का यहाँ पर डालेगी। इसके साथ साथ यहाँ पर जो है पूरा का पूरा आंकड़ा डालेगी कि क्या क्या चीज़ें किस किस चीज़ को दिखाई देंगी। तो क्षेत्र निदेशक की ओर से कुछ यहाँ पर संदेह दिए जाते हैं, जैसे कि खाने और सोने का नाम ही जीवन नहीं है, जीवन नाम है सदैव आगे बढ़ते रहने की लगन का। शरीर को स्वस्थ रखना हमारा कर्तव्य है, नहीं तो हम अपने दिमाग को मजबूत एवं स्वच्छ नहीं रख पाएंगे। इसी आलोक में ग्रामीण जनता को प्रभावी, सक्षम एवं सुलभ स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने का एक राष्ट्रीय लक्ष्य सभी के लिए स्वास्थ्य। तो यह जो एक छोटी सी मैसेज थी आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। हम लोग डायरेक्ट इसका प्रोस्पेक्टस के बारे में यहाँ पर जानते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ होने चाहिए, किस किस प्रकार से होने चाहिए। तो सबसे खास और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर देख पा रहे हैं, माध्यमिक पाठ्यक्रम और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में नामांकन के लिए न्यूनतम 14 वर्ष होना चाहिए और उच्चतम माध्यमिक पाठ्यक्रम के लिए 15 वर्ष और कुछ पाठ्यक्रम के लिए 18 वर्ष प्रवेश के 31 जुलाई को अथवा उससे पहले पूरे किए हों।
तो यहाँ पर जो है पूरा का पूरा लिखे हुए हैं कि कितने दिन का होगा। यहाँ पर देख पर आप अपना पाठ्यक्रम पंजीकरण के वर्ष से अधिकतम मैक्सिमम मतलब 5 साल के भीतर जो है आप अपने पूरा जो है कर सकते हैं। यहाँ पर पूरा का पूरा आंकड़ा यहाँ पर लिखे हुए हैं कि प्रवेश जो है किस प्रकार से आप इसमें नाम लिखा सकते हैं, किस प्रकार से एडमिशन आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर सारा का सारा लिखे देखिए देख पा रहे हैं। यहाँ पर प्रवेश के लिए आवश्यक दस्तावेज एवं आवेदन फॉर्म जमा करने के लिए निर्देशक, यहाँ पर कुछ जो है निर्देशक यहाँ पर दिए गए, जैसे कि शैक्षणिक योग्यता के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर लिखे माध्यमिक के मामले में मान्यता प्राप्त शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण पत्र तथा कम से कम स्वास्थ्य क्षेत्र में 3 वर्षीय का अनुभव होना चाहिए, मतलब 3 वर्ष का जो एक्सपीरियंस हो गए वही लोग इस कोर्स को कर सकते हैं। अगर आयु प्रमाण पत्र का हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर लिखे हैं पिछले विद्यालय के प्रवेश रजिस्ट्रेशन से जन्मतिथि प्रमाण पत्र, विद्यालय छोड़ने संबंधित प्रमाण पत्र, स्थानांतरण पत्र अथवा 26/1/1989 के बाद जन्मे व्यक्ति के लिए नगर निगम पदाधिकारी रजिस्टर नाम और मृत्यु कार्यालय अथवा मान्य प्राप्त अस्पताल द्वारा जारी प्रमाण पत्र का सत्यापति अथवा माता पिता अथवा अभिभावक द्वारा शपथ पत्र जो प्रथम श्रेणी सब डिविजनल मजिस्ट्रेट द्वारा सत्यापित हो। मतलब कि कुछ आपके पास हो जन्मतिथि के लिए कोई बोर्ड का एग्जामिनेशन का मार्कशीट होना चाहिए या तो डेट ऑफ बर्थ का जो सर्टिफिकेट बनते हैं उस वो अच्छी होने चाहिए। उसके साथ साथ स्थानीय पता का प्रमाण होना चाहिए, राशन कार्ड, आधार कार्ड, चुनाव पत्र, ग्राम पंचायत अधिकार, जिला परिषद, इस तरह से करके ये सब सारा जो डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। अगर यहाँ पर पाठ्यक्रम का शुल्क के बारे में यहाँ पर बात करते हैं तो यहाँ पर पाठ्यक्रम शुल्क यहाँ पर लिखे हुए संबंधित स्वास्थ्य में प्रमाण पत्र के लिए देय पाठ्यक्रम 5,000 रुपये है। इस पाठ्यक्रम शुल्क में पंजीकरण, पहचान पत्र, अध्ययन सामग्री, संपर्क कक्षाएं, प्रायोगिक परीक्षा के शुल्क सम्मिलित है। यानी कि पूरा का पूरा कंप्लीटली जो है 5,000 रुपये में यहाँ से जो है आप कोर्स को अपना कंप्लीट कर सकते हैं। जिस प्रकार से आपका DLED में PCP का क्लास होता है, पर्सनल कॉन्टैक्ट प्रोग्राम होते हैं, उसी तरह से इसमें भी PCP का क्लास आपको करवाए जाएंगे, जो कि PCP का क्लास यहाँ पर जो है आपका एग्जामिनेशन सेंटर, आपका स्टडी सेंटर पर पूरा का पूरा प्रोवाइड किया जाएंगे। यहाँ पर यह भी लिखे कि कार्यस्थल पर प्रयोग सत्र के आयोजन की व्यवस्था की जाती है। संबंधित स्वास्थ्य के प्रमाण पत्र का कार्यक्रम के लिए सैद्धांतिक 100 घंटे और प्रायोगिक में 300 घंटे का अध्ययन सामग्री समय सुनिश्चित किया गया। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं पूरा का पूरा यहाँ पर दिखेगी है। इसके साथ साथ यहाँ पर पहचान पत्र की दूसरी प्रति, मतलब यदि आप पहचान आइडेंटिटी कार्ड अगर किसी कारणवश खो देते हैं तो NIS के तरफ से जो आपको 100 रुपया का दंड देने होंगे, फिर आप जो है आपको प्राप्त कर सकते हैं दूसरा आइडेंटिटी कार्ड। प्रकार से आपने देखे कि किस प्रकार से हम जो है अपना पूरा का पूरा फॉर्म को जो है भर सकते हैं। अब यहाँ पर PCP को क्लास को लेकर है तो यह जो खबर थी मूल्यांकन को लेकर यहाँ पर पूरा का पूरा प्रोस्पेक्टस दिए गए यहाँ पर लिखे हुए कि अन्य विवरण शुल्क प्रमाण पत्र की दूसरी प्रति, 200 अंक सूची की दूसरी प्रति, 200 पहचान पत्र की दूसरी प्रति, 100 लेखन के लिए, 100 अंकों पूर्ण जांच के लिए 300 और NIS प्रमाण पत्र सत्यापन के लिए 500, फिर अस्थायी दूसरी प्रमाण पत्र के लिए 400। तो इस तरह से करके पूरा का पूरा जो यहाँ पर दिए गए हैं पूरा का पूरा मामला। अब यहाँ पर जो है नीचे में फॉर्म दिए गए हैं, आप यहाँ पर फॉर्म को आप ऑफलाइन भी भर सकते हैं, ऑनलाइन भी इसको भरा जा सकते हैं। यह जो ऑफिशियल यूज होगा इसीलिए इसको आपको छोड़ देने, इसको नहीं भरने, बल्कि यहाँ पर अपना नाम भरने, उसके बाद फादर्स नेम, मदर्स नेम, उसके बाद जो भी आपका एड्रेस है, पिन कोड है, मोबाइल नंबर से, टेलीफोन नंबर से, आधार कार्ड नंबर है, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, आपका पूरा का पूरा डिटेल्स यहाँ पर आपको फिल करने होंगे। इसके साथ साथ आपको 5,000 का DD बनाने होंगे, जो कि DD पर यहाँ पर डिमांड ड्राफ्ट का नंबर होंगे, उसके बाद किस तारीख को बनाए हुआ होंगे और किस बैंक से बनाए गए वह भी यहाँ पर नाम को आपको पूरा का पूरा डिटेल्स आपको भरने। उसके बाद जो क्या क्या चीज़ आप दे रहे हैं, क्या क्या उसको जो है टिक करते चल रहे हैं, कौन कौन सा फॉर्म आप दे रहे हैं, पूरा का पूरा आंकड़ा इसमें जो आपको सबमिट करने। तो इस फॉर्म को आप जो है आप इसको डाउनलोड करके इसको सबसे पहले प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ पर जो है उसका नीचे में पूरा प्रैक्टिस में पूरा का पूरा जो डिटेल्स बताए गए किस तरह से एग्जामिनेशन फॉर्म को भरते हैं, किस प्रकार से क्या चीज़ करते हैं, पूरा का पूरा नमूना यहाँ पर जो आपको दिखाएगी। तो आई होप आप सभी को समझ चुके होंगे कि स्वास्थ्य विभाग के ओर से जो यह जो कोर्स अनट्रेंड हेल्थ वाले के लिए है तो हम किस प्रकार से हम कर सकते हैं, किस प्रकार से किया जा सकता है। तो यह वीडियो आपको कैसे लगे हमें कमेंट लिख कर जरूर बताइए। यदि आप इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए, उसमें और एक हम वीडियो इसके लिए BT डिटेल से हम बताएंगे और आपको बताएंगे किस प्रकार से इसका फॉर्म को भर सकते हैं, क्या क्या सावधानी बरत सकते हैं, पूरा का पूरा डिटेल्स जो है हम आपको बताएंगे बस अगला वीडियो में। तो किसी भी प्रकार का समस्या है NIS से लेकर तो आप हमें कमेंट लिख के जरूर। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं कोई एक नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।